हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कल है रेलटेल आईपीओ का लिस्टिंग और मैं लेके आया हूँ रेलटेल आईपीओ लिस्टिंग डे का स्ट्रेटजी, और वो भी दो लोगों के लिए, एक जिसको मेरी तरह आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है और दूसरा जिसको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो पहले बात करेंगे जिसको आईपीओ का अलॉटमेंट मिला है। आईपीओ का अभी ग्रे मार्केट 17 रुपए तक बोल रहा है, यानी कि अगर अपन उनके अपर प्राइस बैंड यानी कि 94 और प्लस 17 कर दे तो 111 रुपये होगा। तो करीबन करीबन मेरे ख्याल से 115 से लेके 125 से 130 के अराउंड ये आईपीओ का लिस्टिंग हो सकता है। जैसे कि आज ही न्यूरेका का ग्रे मार्केट 70 to 80 रुपीज ही था, बट वो ओपन हुआ करीबन 220 रुपये ऊपर, यानी कि बहुत ही अच्छे मीन्स ग्रे मार्केट से भी अच्छे खासे प्रीमियम पे वो लिस्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से ये कल भी मोमेंटम जारी रहेगा और कल 115 से 130 के बीच वो लिस्टिंग हो सकता है। तो अगर ये लिस्टिंग उतना होता है तो मेरे हिसाब से उसको होल्ड करे, 140 के आसपास तक तो आने की गुंजाइश है, क्योंकि अगर 140 रुपये आता है तो भी वो रिजनेबल वैल्यू होगा, उसका पी मल्टीपल करीबन 31 से 32 के करीबन वो 140 रुपये पे आएगा। तो अगर 140 आता है तो मैं आपको बोलूंगा कि हाँ पार्शियल प्रॉफिट या आपके हिसाब से फुल प्रॉफिट बुक करें या पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर रखने जैसा है। लॉन्ग टर्म का मेरा टारगेट 1 से 2 साल में 200 तक का रहेगा, और ये शॉर्ट टर्म में अगर अभी दूसरी बात करते जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है, अगर ये कल बाय चांस 100 रुपये या उसके आसपास कहीं पर भी सेल गलती से भी मिलता है 105 रुपये के आसपास, तो नए लोग एंट्री भी बना सकते हैं। और ये कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और रेलवे को नहीं सिर्फ थर्ड पार्टी को भी, ये आई मीन रेलवे के अलावा उनके भी कस्टमर है और बाहर भी वो वर्क करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड है, मीन्स प्रोडक्ट रेंज डाइवर्सिफाइड है, तो सर्विस अच्छी है। और मेरे हिसाब से उसका पीयर ग्रुप में भी बहुत सारे, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी भी पीयर ग्रुप में एक काम में आती है, एक वर्क है उसमें, ये एयरटेल वगैरह भी उनके पीयर बन जाते हैं, वो उनका उनके खुद के भी 3 लाख सब्सक्राइबर है, जैसे एयरटेल के करोड़ों सब्सक्राइबर होंगे, जियो के सब्सक्राइबर होंगे, ऐसे इन लोगों को भी 3 लाख सब्सक्राइबर है। बट हालांकि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इतनी ज्यादा नहीं देते हैं, और कई कई क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी ये जुड़ी हुई कंपनी है, तो अच्छे खासे टारगेट रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, 100% बने रहे। और गलती से कल 100 के अराउंड मिलता है तो नए लोग भी एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, बाय बाय।